हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर के शेयर के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि टाटा मोटर का शेयर चलता क्यों नहीं है। पिछले एक साल से लगभग ये इसी रेंज में घूम रहा है। ऊपर की तरफ 523 और नीचे की तरफ 380 360 की लेवल यहीं पर उलझा हुआ है। दोस्तों, ये एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है और जब भी इसका टाइम खत्म होगा ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। इसके 80% चांस है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म में इसमें ट्रेड करना चाहते हैं वे इससे दूर रहें, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वे 420 के लेवल के आसपास का वेट करें और फिर इसमें 380 370 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें निवेश करें। नए साल के आसपास इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, फिर इसके टारगेट 600 700 रुपये तक के हो सकते हैं। चलिए एक्सपर्ट से भी जानते हैं उनकी इस बारे में क्या राय है। टाटा मोटर्स मेरा फेवरेट ही है, सचमुच फेवरेट है, पर बहुत परेशान किया है इसने। पूरा ऑटो चल गया टाटा मोटर्स में एकदम, मतलब कोई मोमेंटम है ही नहीं। इनफैक्ट ये स्टॉक, इसका तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अभी वीक हो चुका है। मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहूँगी कि आपने टाटा मोटर्स खरीदा है, ठीक है, आपका टाइम फ्रेम कितना है, मतलब आप कितना टाइम इसमें देना चाहेंगे ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया है 1 से 2 महीने का नज़रिया से, तो टाटा मोटर आपका जो टाइम फ्रेम है उसमें सूट नहीं करता है। टाटा मोटर्स में मेजर वीकनेस है चार्ट में, एकदम मतलब हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन फॉर्मेशन है। 530 532 के आसपास, सॉरी 430 432 के आसपास इसका 200 डेमा है, और जब जब ये ऊपर जाएगा हो सकता है कि ये 200 डेमा है इसलिए गिर नहीं रहा है, पर इतना अच्छा बढ़िया न्यूज़ आ रहा है, स्टॉक को हिला नहीं पा रहा है, मतलब ऊपर में सस्टेन भी नहीं कर रहा है। तो स्टॉक एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए वीक हो चुका है। नीचे आपको 420 410 तक रेंज मिल जाएगा और वहाँ पे खरीदारी करने का सलाह होगा 370 380 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको वेट करना है तो मुझे लगता है कि आप वेट कर सकते हैं, पर नीचे आपको खरीदने का सलाह होगा। आपके लिए थोड़ा सा एक्युमुलेशन करने का जरूरत होगा। लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ से एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल के लिए अगर आप होल्ड करना चाहेंगे तो टाटा मोटर आप होल्ड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में रखें। ओके, तो प्रियंका जी।